हेल्थ प्लस प्रोम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डॉक्टर टीथ एडवांस डेंटल केयर, जो कि 303L मॉडल टाउन मेन मार्केट करनाल में स्थित है। दांतों के मरीजों के लिए डॉक्टर टीथ एडवांस डेंटल केयर एक वरदान साबित हो रहा है। डॉक्टर गिनिया जुनेजा और डॉक्टर आशीष जुनेजा जी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमेशा ही पेशेंट की देखभाल के लिए तैयार रहते हैं। दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर टीथ एडवांस डेंटल केयर में आज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। हमारे पंजाब प्लस की टीम के द्वारा डॉक्टर टीथ एडवांस डेंटल केयर को विजिट किया गया। हमारी टीम ने डॉक्टर गुरलीन जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने डॉक्टर टीथ एडवांस डेंटल केयर के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। आइए लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर टीथ एडवांस डेंटल केयर करनाल। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे हैं डॉक्टर तीर्थ एडवांस डेंटल केयर, जो कि डॉक्टर गिन्नी और डॉक्टर शेख जी ने एक क्रिएटिव वे के साथ इस हॉस्पिटल को बनाया है और हम बात कर रहे हैं यहाँ के यूनिट डॉक्टर के साथ। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप देखिए हमारा कितना अच्छा हमने क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ द डॉक्टर गिनिया, जो कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये यहाँ पे कि हम सर्विसेज दे सकें दांतों की, है ना, कि फ्री में हम उनका चेकअप कर सकें। आगे जो ट्रीटमेंट है वो भी हमने कुछ कॉस्टली नहीं रखा हुआ है, जस्ट एट दी बजट प्राइसेस, पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस। रिसेप्शन एरिया है, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द कैबिन, यहाँ पे डॉक्टर गिनिया जी खुद बैठते हैं। किचन वर्किंग एरिया है, लाइक पेशेंट सीट ओवर देयर, यहाँ पे आके वेट करते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दी ऑपरेटरीज, दिस इज दी ऑपरेटरी नंबर वन, दिस इज दी ऑपरेटरी नंबर टू। मेनली जो हम इम्प्लांट्स करते हैं वो ऑपरेटरी नंबर वन में करते हैं। ओवर हेयर वी हैव दी स्क्रीन ऑल्सो, जो कि इंट्रा ओरली दिखाती है कि पेशेंट्स के दांत अंदर से कैसे हैं, जो कि यहाँ पे नहीं दिखता है। कि अगर पेशेंट्स आते हैं दे डोंट एवर सी कि उनके दांत इंटरनली कैसे हैं, तो यहाँ पे वो आपको सुविधा प्राप्त होती है। आप हमारा हैप्पी पेशेंट क्लब, लाइक ओवर वी हैव मेनी पेशेंट्स, जहाँ पे हमने बहुत अच्छी उन्हें स्माइल डिजाइनिंग करके दी है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए हैं, इम्प्लांट्स किए हैं, क्राउन्स किए हैं, वीनियर्स किए हैं, सो वी हैव मेनी मेनी पेशेंट्स, ठीक है। आप ये देख सकते हैं हमारे जो डॉक्टर गिनिया एंड डॉक्टर आशीष को जो मेडल्स दिए गए हैं, लाइक वी हैव ये तो अभी उन्हें मिले दासना फाउंडेशन की तरफ से फॉर द यंग डेंटल अचीवर अवार्ड, जो कि इसी साल मिला गया है। एंड दीज आर द गोल्ड मेडलिस्ट अवार्ड, जो कि इन्हें मुलाना में मिले हुए हैं। एंड देयर आर मेनी अवार्ड्स यू कैन चेक ओवर देयर, लाइक चेयरमैन से भी दिया गया है टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर मेनी थिंग्स, सो यू कैन हैव अ लुक, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा ऑपरेटरी नंबर वन सारा, जहाँ पे मेनली इम्प्लांट्स हम करते हैं एंड बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, बिकॉज वी हैव द स्क्रीन, दिस इज द इंट्रा ओरल स्क्रीन। यहाँ पे जो पीडो पेशेंट्स आते हैं, हम स्क्रीन ऑन करके और सारा उनके कार्टून वगैरह इसी पे ही लगाते हैं, ताकि वो साथ साथ अपना ट्रीटमेंट भी कराते रहे और साथ साथ वो अपना कार्टून वगैरह भी देखते रहे और वो कम रोए, बिकॉज ऑफ द पीडो पेशेंट्स वी हैव दिस। एंड इसमें एक कैमरा भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये हम ऑन करके पेशेंट्स को इंटरनली टुक दिखाते हैं कि उनका कौन सा केरियस लीजन है, किस दांत की आरसीटी होने वाली है, कितना उनका कैलकुलस है, कितना प्लाक एक्यूमुलेट हुआ है, सो ये उसको शो करता है। एक्सरे की बहुत डेवलप्ड टेक्निक है, लाइक पहले तो ट्यूब के साथ आता था, खींचना पड़ता था, लेकिन आजकल तो दिस इज वेरी हैंड फ्रेंडली, ठीक है। तो आजकल तो हम सिर्फ क्लिक करते हैं, एक ही वन गो में ये एक्सरे आ जाता है, वी डोंट हैव टू मूव बार बार यहाँ से वहां, बस हाथ में पकड़ना और क्लिक हो जाता है ये, सो दिस इज द डेवलप्ड टेक्निक, एडवांस टेक्निक ओवर हियर। डॉक्टर गिनिया को अवार्ड दिया गया था फ्रॉम नारी शक्ति अवार्ड, शब्द चलते रहते हैं ताकि पीसफुली सारा काम अच्छे से होता रहे। लेकिन ऑपरेटरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्केलर पड़ा हुआ है, दैट इज वेरी एडवांस्ड,
ठीक है, मे बी हम यहाँ पे स्केलिंग फिलिंग्स इस ऑपरेटरी में करते हैं एंड नॉर्मल क्राउन कटिंग वो इसी ऑपरेटरी में होती है. सो यू हैव यू कैन हैव अ लुक. ये हमने रखा हुआ है मॉडल जिसकी हम स्केलिंग करते हैं, उसको बताया जाता है कि कैसे ब्रश करना है प्रॉपरली, कैसे स्ट्रोक्स देने हैं, पेशेंट को सारा समझाया जाता है ताकि दोबारा हमें स्केलिंग की जरूरत ना पड़े, दोबारा ना आना पड़े. उन्हें हैं हमारा फुल माउथ इम्प्लांट इम्प्रेशन, ये हमने लिया था आज ही, आप देख सकते हैं. रोज होते रहते हैं हमारे पास, बहुत बहुत ज्यादा ओपीडी आती है. सर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है जो ऐसी मॉडर्न टेक्निक के साथ बना हुआ है, डॉक्टर साहब ने हमेशा स्टरलाइजेशन को बहुत ज्यादा पहल दी है और हमेशा स्टरलाइजेशन का ध्यान रखा है. कोविड के पीरियड में भी आप लोगों को तकलीफ नहीं आई क्योंकि आप लोग पहले से नॉर्मल से जो है करते थे. आज भी आपने हमारे कहने के ऊपर आप सभी ने जो मास्क हमें उतारे हैं आपके कि आपकी आवाज में वो बात नहीं रहेगी, तो इसलिए आपको हमने मास्क उतार कर बात कर रहे हैं हम आपसे. क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे स्टरलाइजेशन का बहुत अच्छा इंतजाम है. हमारे पास ऑटोक्लेव की मशीन भी सारी एडवांस्ड है. जो भी अगर पेशेंट आता है पहले हम उसका पैच टेस्ट करते हैं तभी एले देते हैं. हम ऐसे नहीं करते कि हाँ पेशेंट को लटाया, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं ली, कुछ नहीं ली, सब कुछ पहले हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री कंडीशन पूरी ली जाती है, फिर एले लगाने से पहले पैच टेस्ट होता है, फिर उसके बाद एले इंजेक्ट होता है और सारी हमारी निडल सब कुछ स्टरलाइज कंडीशन में रखा जाता है. डिस्पैच भी स्टरलाइजेशन में ही होता है. जैसे आज हमने डॉक्टर गिनिया का क्लिनिक हमें गुरलीन जी ने दिखाया और जैसे सारा हमने विजिट किया, अब हम बात कर रहे हैं गुरलीन जी के साथ. गुरलीन जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो. थैंक यू सो मच. गुरलीन जी क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ जो पेशेंट आता है पहले उसको एनालाइज किया जाता है, क्या प्रॉब्लम है उसकी, किस वजह से वो आया, क्या हो सकता है, फिर उसको काउंसिल किया जाता है कि आप ऐसे ऐसे होगा. क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्लिनिक है जिसमें पेशेंट को पहले ही जोन में लिया जाता है, पेशेंट बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और उसको आप लोग पहले ही जोन में ले जाकर जाते हैं, उसके बाद आप लोग उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं? जी आप सही कह रहे हैं, जब पेशेंट आता है अगर तो बहुत ज्यादा पेन में है तो वो तो बहुत घबराया होता है, शिवर कर रहा होता है, तो वी हैव टू टैकल दिस थिंग आल्सो. तो पहले पेशेंट को हम लिटाते हैं, काम डाउन करते हैं, क्लिनिकली चेक करते हैं, उसकी हिस्ट्री पूछते हैं कि कब से दर्द शुरू हुई है, अगर कैलकुलस है तो कब से है, कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, ये सारा कुछ पूछा जाता है. फिर उसके बाद हम एक्सरे लेते हैं दांत का, देखते हैं उसमें कि क्या कंडीशन है, उसको सारा समझाया जाता है कि आपकी बोन कितनी पड़ी है, क्या है, आरसी होने वाली है, नहीं होने वाली है. आरसी इज द आरसीटी इज द नस का ट्रीटमेंट और उसको समझाते हैं कि हम कैसे नस निकालते हैं, फिर उसके बाद कैसे मटेरियल को डाला जाता है. तो सब हम पहले प्रोसीजर सारा समझाते हैं फिर ही हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. और यहाँ पे कंसल्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एनी टाइम यू कैन कम, यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट. कोई आपको ऐसा नहीं है कि हाँ अगर हमने आपको बिठा लिया तो आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है. पहले आपको सारा समझाया जाएगा, अगर आपके साथ कोई भी है, आपकी फैमिली आ रही है साथ में, हम उनको भी सारा गाइड करते हैं, फिर ही आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो है ये कंप्लीट हॉस्पिटल है, चाहे वो छोटे बेबीज हो, चाहे वो 80 इयर्स के बंदे हो, क्या कहना चाहेंगे कि हर एज के लिए ये कंप्लीट हॉस्पिटल है. बच्चे जो थम जो सगिंग करते हैं उनसे लेकर और बड़े लोग जिनको इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है. यस यस डेफिनेटली, ये तो चीज है, छोटे से लेके एडल्ट्स तक लाइक 80-90 इयर्स अबव, वो तो हम सारे ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं रोज की रोज. हमारी ओपीडी बहुत अच्छी है, छोटे से लेके बड़े तक सब आते हैं यहाँ पे. और जो भी बच्चा आता है हम उसे पहले तो काम ही करते हैं, उसे स्क्रीनिंग दिखाते हैं सारी और उसको समझाते हैं. बच्चे रोते हैं डेफिनेटली, बट सब कुछ उन्हें गाइड करके फिर ही हम बिठाते हैं और बहुत एक फ्रेंडली स्टाफ, फ्रेंडली सब कुछ उन्हें ट्रीट किया जाता है यहाँ पे. गुरलीन जी क्या कहना चाहेंगे, ये सेंटर एक स्माइलिंग सेंटर के रूप में उभर रहा है क्योंकि यंग लोग जिनकी मैरिज की एज है वो लोग विजिट करते हैं डॉक्टर गिनिया जी के पास क्योंकि आगे आगे चेंज बन रही है, एक बंदा सुंदर बनता है क्योंकि उनका ये स्लोगन है गिनिया जी का कि मैं यहाँ स्माइल बिखेरनी है, हमने लोगों को स्माइल देनी है और उनको सुंदर बनाना है. उसमें चाहे उनके कितने भी पीले दांत है, कोई हड्डी भी अगर पीली हुई तो भी वो हर तरह का ट्रीटमेंट चैलेंज के रूप में लेकर और
ऐसे लोगों को जिनको लगता था कि नहीं हम लोग तो सुंदर बन ही नहीं सकेंगे, उनको भी उन्होंने एक नई लुक दे दी। हाँ जी हाँ जी, ये तो मैंने आपको हैप्पी पेशेंट क्लब में ही दिखाया है सारा, कि कितनी सारी फोटोज देखी है कि हमने बहुत लोगों की स्माइल डिजाइनिंग की है, एंड वी वांट कि लोगों को एक अच्छी स्माइल मिले, एस्थेटिकली बहुत अच्छा हो, कहीं जाएं तो एवरीवन शुड अप्रिशिएट हिम और हर। सो हमने सबको दी है वो स्माइल, और डॉक्टर गिनिया का तो ये लोगो है सबसे बड़ा, और डॉक्टर आशीष जुनेजा जीता भी, तो ये तो डेफिनेटली। अगर हम बात कर ले रूट कनाल की, बात कर ले हम लोग इम्प्लांट्स की, बात कर ले तो ये हॉस्पिटल नई से नई मशीनरी, लेटेस्ट मशीनरी यूज करता है, और जैसे दो ओपीडीज हैं अलग अलग, उसमें अलग अलग तरह के प्रोसीजर होते हैं, आप भी साथ में रहते हैं, आप भी यार डॉक्टर हैं, और तीन डॉक्टरों की टीम तो क्या, और बाकी विजिटिंग डॉक्टर आते हैं, मतलब ये हॉस्पिटल कम्प्लीट डेंटल का हॉस्पिटल है। हाँ जी हाँ जी, हमारे पास वी हैव द ऑर्थोडोंटिस्ट आल्सो, यहाँ पे ब्रेसेस अलाइनर्स सब कुछ लगता है, लाइक हम तो खुद ट्रीट नहीं करते बट विजिटिंग डॉक्टर्स हमारे पास ओरल सर्जन, ऑर्थोडोंटिस्ट, पीडोडोंटिस्ट, ये स्पेशलिस्ट आते हैं हमारे पास, लाइक हम किसी को भी बिना ट्रीटमेंट के नहीं देते कुछ भी, लाइक वी वॉन्ट सब हेल्दी होके जाए, सबका ओरल हाइजीन अच्छा हो, सो हमारा यही लोगो है। डॉक्टर गिनिया जो हमेशा पेशेंट को कहती है कि आपने जंक फूड्स नहीं खाने, स्टिकी फूड्स नहीं खाने, और अगर बच्चे खा भी लेते हैं तो उनको कैसे आपने ब्रशिंग करनी है, कैसे कुरला करना है, और कैसे दो बार ब्रश करना है, वो हमेशा पेशेंट को अपने गाइड करते हैं, और उनको ये लगता है कि जो पेशेंट मेरे साथ एक बार जुड़ गया वो आगे की आगे चेंज बना रहा है, एड बहुत कम करते हैं। डॉक्टर गिनिया जी मेरा आई फील कि फर्स्ट टाइम होगा कि आज हम लोग उनका एक हॉस्पिटल कवर कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ये तो आप सही बात कह रहे हो कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम किसी चैनल पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो डॉक्टर गिनिया का शौक ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब शी इज लाइक कि नहीं यहीं तक हम सीमित है, कोई एड्स नहीं कुछ नहीं, बट यहाँ पे जो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा फर्स्ट क्लास मिलेगा। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई एडवांस टेक्निक कर रहे हैं इन दी ट्राइसिटी ऑफ करनाल, सो यू कैन सर्च फॉर इट। वी हैव द वीनियर्स ऑल्सो, वीनियर्स भी हम कर रहे हैं। वीनियर्स में क्या होता है कि हम सिर्फ आगे वाले दांत को थोड़ा सा वो करते हैं, कट ऑफ करते हैं, दैट इज वेरी 0.5 टू 1 mm डेप्थ। कई लोग नहीं पूरा कराना चाहते, क्राउन नहीं लेना चाहते, तो हम वीनियर्स रिकमेंड करते हैं। क्राउन्स भी हैं, ब्रिजेस भी हैं, कईयों के दांत प्रोक्लाइंड होते हैं, आगे की तरफ होते हैं, तो हम उसे कट करके बहुत अच्छी शेप देके बहुत अच्छा स्माइल करते हैं, तो यू कैन सी आवर रिजल्ट्स। नसा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और डॉक्टर गिनिया जैसे करनाल में नंबर फर्स्ट तो है ही डेंटल में, आने वाले समय में और उपलब्धियों को सुनिश्चित हो, क्योंकि वो कड़ा पानी नहीं है, हमेशा भी लोग करते रहते हैं, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हाय आई एम अलीजा, एंड मैंने अपना ट्रीटमेंट स्माइल डिजाइनिंग डॉक्टर टीत से कराया, एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड। थैंक यू डॉक्टर गिनिया एंड डॉक्टर मीनाक्षी, एंड दे हैव अ वेरी कोऑपरेटिव स्टाफ। आई रिकमेंड यू दैट यू कम हियर एंड गेट अ वेरी गुड स्माइल। थैंक यू।